दोस्तों डाउनलोड कीजिए टेक्सल ऐप को। डाउनलोड करते ही 20 रुपये आपके वॉलेट में तुरंत ही ऐड हो जाएंगे। इस ऐप की मिनिमम रिडीम सिर्फ 200 रुपये है, जो आपको इंस्टेंट पेमेंट कर देती है। ये ऐप अर्निंग के मामले में मोस्ट पॉपुलर ऐप है। अगर आप यहाँ पर 10 रुपये की किसी स्लॉट में प्रोडक्शन करते हो तो 90 रुपये आपको मिलेंगे, और आप अपने दोस्त को ये ऐप शेयर करके 10 रुपये कमा सकते हो। देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें टेक्सल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। प्यारे मित्रों, स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज समय आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को विजिट कर लिया होगा कि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री दी बड़ी खुशखबरी, तो यह वीडियो आप लोग ध्यान से देखेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप न्यूज बताऊंगा और आपके लिए बिल्कुल ये जेन्युइन न्यूज है और आपके लिए बिल्कुल खुशखबरी होने वाले, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए सबसे पहले आपके परिचय से मिलती। दोस्तों आप लोग हेडलाइंस पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा कि 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, यानी जो आपके स्कूल कॉलेज है वो 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। और ये मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री जी का, रमेश पोखरियाल निशंक जी का ये बड़ा ऐलान है। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ खुशखबरी के बारे में क्या है। आपको बता दें कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज की अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। बता दें कि दोबारा स्कूल खोलने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था। आपको बता दें कि छात्र, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि 2020 के अगस्त के बाद से फिर खोला जाएगा। संभवतः यही है कि 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में बात कही कि उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक सभी परिणाम का घोषित कर दिया जाएगा, और ये परिणाम घोषित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने HRD मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को स्कूल पुनः खोलने की योजना पर पत्र लिखा था। इसकी बात की जानकारी उन्होंने कल ट्वीट के माध्यम में दे दी है। उन्होंने अपने पत्र में, समय आ गया है कि कोरोना के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए देश में स्कूलों की भूमिका भी नए सिरे से तय की जाए। दोस्तों इसी के साथ उन्होंने लिखा, स्कूल को साहसिक भूमिका के लिए तैयार नहीं किया गया है तो यह हमारी ऐतिहासिक भूल होगी। स्कूलों की भूमिका पाठ्य पुस्तक पर सीमित नहीं होगी, बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी और जीवन के जीने की तैयारी करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दिल्ली के सभी कॉलेज, स्कूल मार्च महीने से बंद हैं। ऐसे में जितने भी भारत के अंदर स्कूल कॉलेज हैं वो तकरीबन मार्च महीने से ही बंद हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन इस बात से भी मुड़ नहीं मोड़ा जा सकता कि कहीं नहीं छात्रों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। दोस्तों एक बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, जो आपकी स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं हैं, स्कूल आपके कॉलेज खुलेंगे वो 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। और ये बड़ा ऐलान आया है जो शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी का, तो ये बड़ी खुशखबरी थी आप लोग के लिए, जो स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो रहे थे कि परीक्षाएं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 15 अगस्त के बाद ही खुल सकेंगे स्कूल कॉलेज। जब आपके 15 अगस्त के बाद खुलेंगे तभी आपकी परीक्षाएं होंगी, लेकिन अभी इस पे मुहर लगनी बाकी है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कराता हूँ, लेकिन ये न्यूज़ की अपडेट मुझे मिली तो मैंने आप लोग को न्यूज़ की अपडेट जरूर करा दिया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट आए सबसे पहले आपके परमिशन से मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।